प्रशासन, अभी आपको हम ब्लड प्रेशर मेजरमेंट बताते हैं, ब्लड प्रेशर को कैसे मेजरमेंट किया जाता है। ब्लड प्रेशर का थ्योरी आपको पिछले वीडियो में हम दे चुके हैं कि कैसे ब्लड प्रेशर क्या है, क्या फैक्टर है, क्या उसका कॉम्प्लिकेशन है। आज हम बता रहे हैं कि कैसे मेजरमेंट करते हैं। ब्लड प्रेशर मेजरमेंट करने के लिए मार्केट में कई तरीका है। एक तरीका है जो कि स्फाइबोमैनोमीटर मेथड है, जो हम लोग यहाँ बताने वाले हैं। एक वॉच मेथड है जो कि हम लोग घड़ी का कांटा जैसा होता है। एक आपके इलेक्ट्रॉनिक्स मेथड है और एक आपको मॉनिटर मेथड है। लेकिन ये जो स्फाइबोमैनोमीटर मेथड है ये सबसे ऑथेंटिक होता है, क्योंकि इसमें मरकरी यूज होता है और मरकरी हर टेम्परेचर में लिक्विड फॉर्म में होता है। इसका मेजरमेंट गलत कभी नहीं होता है, चाहे वो ठंड का मौसम हो या गर्म का मौसम हो, चाहे कहीं भी लेके चल जाए। तो आइए हम इसको बताते हैं कि इसको कैसे मेजरमेंट करते हैं। इस मेजरमेंट करने के लिए हमें दो चीज की आवश्यकता है, एक स्टेथोस्कोप की और एक इंस्ट्रूमेंट स्फाइबोमैनोमीटर बीपी इंस्ट्रूमेंट की। स्टेथोस्कोप, सबसे पहला चीज कि स्टेथोस्कोप को हमें सही ढंग से इसको सेट करके रख लेना चाहिए, क्योंकि कई बार स्टेथोस्कोप की यहाँ लॉकिंग के कारण ये गड़बड़ होते रहता है। दूसरा, यहाँ पर कान में जो हम लोग ईयर में लगाते हैं वो सही ढंग से नहीं लग पाती है। क्या है गड़बड़ी देखते हैं। सबसे पहला, आप जो यहाँ देख रहे हो ये जो ईयर पीस है, यह ईयर पीस को जब हम लोग सटाते हैं तो इधर आपका उभरा हुआ पार्ट आता है, इधर धंसा हुआ पार्ट आता है, इधर हो गया कन्वेक्स हो गया, इधर कनकेव हो गया। तो अब क्या होता है कि जब ये आपका जो पार्ट है ये, तो अगर हम इस तरह से अगर हम कान में अगर लगा देते हैं तो आपका एक्सटर्नल ऑटरी कैनाल जो होता है वो आगे की तरफ है, तो जिससे क्या होता है कि हम इसको ये कान में जाकर के ऑब्स्ट्रक्ट कर जाएगी। इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि इसको हम लोग आगे की तरफ रखते हैं, चूंकि कैनाल में आसानी से इसका साउंड चला जाए। तो उल्टा रखने पे ये हमें सुनाई नहीं पड़ता है, कई बार गड़बड़ी होती है। तो नंबर वन मिस्टेक यहाँ पे सुधार लेना है कि हमें इसको सीधा रखना होगा। नंबर दो, जब हम स्टेथोस्कोप का जो ये देखते हैं, यहाँ पर डायफ्राम लॉक है या ओपन है इसको देखना है, क्योंकि कई बार होता है कि डायफ्राम लॉक में भी हम लोग भूल से देख लेते हैं और देख नहीं पाते हैं और उस समय गलत मेजरमेंट बोल देते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए कि इसको सीधा करके कान लगा करके और इसे हम लोग इस तरह से ठोक करके देख लेते हैं कि हाँ खुला हुआ है कि नहीं। खुला हुआ है इसको हम गर्दन में लगा लेते हैं। नंबर तीन स्टेप ये भी जोड़ देते हैं, तीसरा स्टेप है कि गर्दन में लगा के रखना है, इसको खोल के बाहर नहीं रखना है, क्योंकि फिर लगाते समय आपको देरी ना हो। अगली बात है, ये जो मशीन है इसका लॉकिंग है, यहां से खोलेंगे। खोलने के बाद ये आपका जो मशीन है इसमें आपका ये मेजरमेंट हुआ, ये मेजरमेंट है। और दूसरी चीज है, इसमें जो मेजरमेंट है ऑलवेज देखेगा कि 10 डिजिट के बीच में 5 लाइन है, यानी एक का मतलब 2 होता है। इसलिए बीपी जो होता है ऑलवेज इवन नंबर में लिखा जाता है, ऑड नंबर में कभी नहीं लिखना है, चाहे कब किसी भी चीज से देखें लेकिन ऑलवेज इवन नंबर में लिखिएगा। दूसरी चीज है, ये हो गया मरकरी चेंबर और इसका यहाँ पर होता है लॉकर होता है, जिससे हम लॉक करते हैं इसको। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पॉइंट। ये आप जो देख रहे हैं इसको बोलते हैं कफ बोलते हैं। इसमें रबर होता है इतना पार्ट जिससे हम आर्टरी को बंद करेंगे, कंप्रेस करेंगे और उस प्रेशर को देखेंगे। यहाँ पर जो देख रहे हैं इसको हम लोग बोलते हैं ईयर बल्ब बोलते हैं, ईयर बल्ब जिसमें बल्ब होता है। यहाँ पर एक ऐसा टेक्निक लगा होता है कि जब हम दबाते हैं तो यहाँ पर एक छोटी सी क्लिप अंदर से होती है जो इसको बंद कर देती है, और जब छोड़ते हैं तो यह ओपन हो जाता है। यहाँ पर का जो स्ट्रक्चर होता है साइकिल के ट्यूब के जैसा होता है कि यहाँ से एयर इधर तो जाती है लेकिन यहाँ से एयर इधर नहीं आती है। तीसरा चीज, इसको लॉकर कहते हैं, इसे लॉक बोलते हैं। इसको खोलने के लिए एक बड़ी सावधानी रखना होता है कि बहुत बार ऐसा होता है कि लोग पकड़ते गलत है। देखना है बड़ी गौर से कि हम लोग ऐसे पकड़ के खोलते हैं, गलत है। जब भी खोलते हैं तो इसको सपोर्ट में रखना होगा, इस उंगली को ऐसे सपोर्ट में रखना होगा, क्योंकि जब तक सपोर्ट में नहीं रखेंगे तब तक बैलेंस में नहीं खुलेगा। क्योंकि ऐसे करने से या ऐसे करने से क्या होगा, कभी बैलेंस नहीं बनती है और बहुत स्पीड खुल जाती है, ये बहुत बार गड़बड़ होता है। इसलिए हम लोग जब भी हम लोग रखते हैं तो ऐसे रखते हैं, इससे बैलेंस बनता है। याद रखना है कि इसको एकदम पूरा अच्छा से पकड़ना होगा, खोलते या बंद करते समय। चलिए हम लोग कैसे करते हैं वो देख लें। तो सबसे पहले बात हम लोग चलें कि बीपी मेजरमेंट करने के लिए आप राइट हैंड भी ले सकते हैं, लेफ्ट हैंड भी ले सकते हैं, लेकिन जो राइट हैंड में ब्लड प्रेशर एक्यूरेट होती है और लेफ्ट हैंड में 2 से 3 mm कम होता है प्रेशर,
इसलिए हम लोग को सबसे अच्छा है कि राइट हैंड में ब्लड प्रेशर मेजरमेंट करते हैं। इसके लिए क्या करते हैं हम लोग कि राइट हैंड में इस ज्वाइंट से, अल्बो ज्वाइंट से एक इंच ऊपर यहाँ पे हम लोग इसको रखेंगे। अच्छा, कफ में बात करना है कि पकड़ना है यहाँ से, कफ इतना लंबा है लेकिन पकड़ेंगे यहाँ से। और इसमें दो चीज देखते हैं, इधर प्लेन है और इधर में एडहेसिव मटेरियल है, तो एडहेसिव जो बैंड होता है ना, एडहेसिव बैंड ऊपर रहना चाहिए, ये नीचे रहना चाहिए, एडहेसिव बैंड ऊपर रहना चाहिए और ये ऑलवेज लेटरल होना चाहिए, लेटरल। तो यानी कि हम कैसे करेंगे, ये लेटरल हो गया यहाँ पर और ये एडहेसिव बैंड ऊपर, और इसको हम आहिस्ते से इस ढंग से हम लोग छोड़ देते हैं। अभी बनाया गया मेरा, ये लेटरली हो गया। और लेटरल इसलिए बोलते हैं क्योंकि ब्लड प्रेशर जो हम मेजरमेंट करेंगे, यहाँ पर रेडियल आर्टरी होता है, ये रेडियल आर्टरी है, और इसी का अपोजिट में यहाँ पर ब्रेकियल आर्टरी होता है। और हमें ब्लड प्रेशर मेजरमेंट करते समय जो डायफ्राम है, इस डायफ्राम का जो नोब है, बीच का जो पॉइंट है, इसको हम ठीक ब्रेकियल आर्टरी पे रखते हैं इसको, तो रखने में कोई तकलीफ ना हो। और याद रखिएगा पॉइंट, कभी भी सबसे बड़ा गलती होती है कि लोग कभी यहां रख देते हैं, नहीं, सबसे एक्यूरेट है कि थंब के बगल में यहाँ रेडियल आर्टरी और ऑब्लिक में जाइएगा तो यहाँ पे होगी आपको ब्रेकियल आर्टरी, एकदम ब्रेकियल आर्टरी पे ही हम लोग कोई डायफ्राम रखना है, यानी मेडियल से थोड़ा सा बीच वाला पार्ट से थोड़ा सा इधर की तरफ, मेडियल की तरफ, और यहाँ रखते हैं यहाँ पे। चलिए अब हम लोग करेंगे क्या, इससे अब इसको जांच करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर जो एक दूसरा पार्ट है इसका, इसको हम लोग इसमें हम लोग सेट करते हैं। अब यहाँ पे देख लीजिएगा पॉइंट को, यहाँ पे कोई गुना नहीं है, यहाँ प्लेन है, देख रहे हो, तो सीधा नहीं रखते हैं, इसे थोड़ा सा हल्का सा घुमा देते हैं, तो घुमाने से क्या होगा, पूरा टाइट हो जाएगा। और उसी तरह जब खोलेंगे तो हल्का सा घुमा के खोलेंगे, आराम से खुल जाती है, और इस तरह से फिर इसको पकड़ के इसे टाइट कर देंगे। अब क्या करते हैं कि जब हम लोग ये देख लिए, अब हम लोग क्या करना है कि यहां से एयर देंगे तो इसको टाइट करेगा, यहाँ पे हवा जाएगा तो ऊपर से जो आर्टरी आ रही है, ये आर्टरी के ब्लड को बंद करेगा, बंद कर देगा, तो प्रेशर, क्योंकि हम लोग प्रेशर देखना है। और ये बातें हमें इस मरकरी में पता चलेगा, मरकरी उतना हाइट ऊपर जाएगा, ये जितना तक होगा उतना ऊपर तक जाएगा, जैसे 120 है, 130, 140, इस तरह से ऊपर बढ़ेगा। तब करेंगे क्या हम लोग कि जैसे अब हम इसको हम लोग स्टेथो को छोड़ देते हैं, और हम लोग करना क्या चाहिए कि कितना ऊपर तक लेके जाना है, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि इस पल्स पे हाथ रखते हैं और देखते हैं कि पल्स आ रही है, यानी कि ब्लड ऊपर से आ रही है। तब तक हम यहाँ पर इसको हम पंप करते रहेंगे, जब तक पंप कर देंगे जब तक कि ये पल्स बंद ना हो जाए, पकड़ी मटर पर जा रही है नहीं। अब जो है इसको चेक कर लेंगे, यहाँ पर मटर जा रही है, अब क्या करते हैं इसको कहां तक लेके जाएंगे, जब तक पल्स बंद नहीं हो जाए। अब इसका पल्स जो है बंद हो चुका है, यानी कि अब इसका ब्लड ऊपर से आना बंद हो गया, और हम लोग अब क्या करते हैं यहां से हटा देते हैं, अब कान में लगाते हैं इसके ईयर पीस को, और लगाने के बाद अब यहां पर क्या करते हैं कि इस जगह पर जहां पर बोले थे हम, यहां पर इसको रख देते हैं। रखने के बाद अब हम लोग क्या करते हैं, वैसे ही बोले थे, देखो कैसे हम बैलेंस से इसको खोलते हैं, और खोलेंगे धीरे धीरे, आहिस्ते आहिस्ते, और जैसे ही खोलते जाएंगे और एक कांस्टेंट साउंड हमें मिलेगा, कांस्टेंट साउंड जो मिलता है, जिससे पहला मिलेगा टप 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 टप, उसके बाद इसको टैपिंग साउंड बोलते हैं, और जहां से स्टार्ट होता है उसको सिस्टोलिक बोलेंगे, और जहां से स्टार्ट होगा टप टप, हम लोग इसमें देख लेंगे कि कहां से हमें साउंड सुनाई पड़ रही है, और उसके बाद देखते देखते कहां पर जा करके वो धीरे धीरे समाप्त हो गई है। जहां से स्टार्ट होती है उसको सिस्टोलिक बोलते हैं, जहां समाप्त हो जाएगी उसको डायस्टोलिक बोलते हैं। जहां स्टार्ट होती है वहां पर टैपिंग साउंड होता है, और जहां पर समाप्त हो जाता है मफ्ड साउंड होता है। तब पहला टैपिंग साउंड लगभग 10 से 12 मिनट तक मिलेगा, उसके बाद म्यूजिकल साउंड, उसका लाउडनेस साउंड, उसका मफ्ड साउंड। लेकिन साउंड को हम लोग बाद में बताएंगे आपको कि साउंड का इंपोर्टेंस क्या होगा, अभी तो हम लोग को ये जानना है कि कैसे सिस्टोल कैसे डायस्टोल लिखेंगे, तो हम लोग उसी ढंग से हम लोग देख लेंगे। तो एक बार रिव्यू करते हैं आपको, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको सीधा रखना सही ढंग से, इसको लॉक खोलना, कान में पहले गर्दन में लगा लेना, उसके बाद इसको अच्छा ढंग से सही ढंग से बांध लेना, बांधने के बाद एक उसमें एयर
हम लोग को यहाँ पर पल्स पे हाथ रखेंगे, एयर जब तक हम लोग इसमें प्रेस करेंगे, जब तक कि यहाँ पर पल्स इसका बंद ना हो जाए, जब पल्स बंद हो गया यहाँ पर स्टेथोस्कोप को हम लोग कान इसमें ईयर पीस को कान में लगा करके और यहाँ पर लगा कर देखेंगे, जहां से साउंड स्टार्ट हो गया वो हो गया सिस्टोलिक, और जहां साउंड समाप्त हो गया उसको बोलेंगे डायस्टोलिक। ये मेरा ब्लड प्रेशर करने का तरीका है। और हम जो प्रोटोकॉल साउंड के बारे में बोल रहे हैं कि टैपिंग कैसे हम लोग देखेंगे उसको, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, लेकिन इसको अभी हम लोग यहाँ तक देखिए। फिर उसके बाद देखने के बाद तुरंत तो हमें करना क्या चाहिए, हम लोग क्या करते हैं बीपी देखने के बाद इसको छोड़ देते हैं, नहीं तुरंत तो खोल देना चाहिए। खोलने के बाद तब इसको हम लोग हटा करके और इसी ढंग से हम लोग इसको रोल करते हैं, रोल करके फिर जैसे हो हम लोग इसको अच्छा ढंग से इंस्ट्रूमेंट को अच्छा ढंग से रख देते हैं, क्योंकि अगर जबरदस्ती हम अगर ब्लड प्रेशर इस रखेंगे अगर सपोर्ट जाए तो उस केस में आपका ब्लड प्रेशर मशीन का मरकरी फट सकता है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं इसको हम लोग इस ढंग से सजा करके और इसको डाल देते हैं इसमें डॉकिंग में, इसमें बल्ब डाल दिए और उसके बाद इस ढंग से हम लोग इसको रोल करके और आराम से इसको डाल देते हैं। बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।